नहीं दिया, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए तो लुंगी नहीं उतरेगी। मतलब लुंगी यार, ओह गॉड, यू वाज अ सेफ्टी पिन या हाँ, मतलब प्रॉपर वो लुंगी हमने बनाया था। साइटिंग आपने सेट पे भी दिया था? ना ना, मैंने कोई टिप नहीं दिया इसको। लुंगी में बहुत कंफर्टेबिलिटी होती है, नो डाउट, एकदम मस्त हवा का आना ना जाना बहुत अच्छा रहता है। तो ऑब्वियसली वो खुश तो होगी ही, सो आई थिंक ऐसा लड़का होना चाहिए लाइफ में जो एक लड़की के लिए कितना कुछ करे कि वो इतना खुश कर दे उस लड़की को। एंड जो इंस्पिरेशन थी मेरी वो डेफिनेटली साउथ की जितने भी हमारे यू नो फेवरेट और बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार हैं, अल्लू अर्जुन सर, उनसे थोड़ा बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली, बिकॉज उनकी जो स्टाइल है, उनका जो स्वैग है, बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन अगेन सिद्धार्थ जी, आपका और एक हिट गाना होने लगा तुझसे प्यार, एंड अभी जी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, ब्यूटीफुल गाना है एंड एक मैसेज भी है। सो सिद्धार्थ जी, आप बताइए कि क्या फीलिंग है इस जब गाना आता है, 10 मिलियन टच होने वाला है, जस्ट हो गया है, हो गया है। अच्छा, अभी मैंने देखा। वेल वी आर वेरी हैप्पी, हमें यू नो रिस्पॉन्स जितना अच्छा हमारे गाने पे आया है, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। और हम दोनों इतने सालों बाद यू नो काम कर रहे हैं, तो ये तो बनता ही था, क्योंकि हम लोग पे भी यू नो बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम कुछ अच्छा अपने फैंस को दें, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ला के अपने फैंस को दें, अब कॉन्सेप्ट स्टोरी, ताकि उन्हें बहुत अच्छा लगे, एंड सम हाउ समवेयर वी हैव अचीव्ड इट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को हमारा म्यूजिक वीडियो बहुत पसंद आया, लोगों को गाना बहुत पसंद आया, हमारी जो बॉन्डिंग है उन्हें फिर से देखने को मिली, हमारी केमिस्ट्री, एंड यस आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। सेम हियर एज वेल, आई थिंक यू नो इन द पास्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ में, एंड दे टच वुड बीन सो ग्रेट। सो अभी भी फैंस को इतना एक्सपेक्टेशन था दैट इफ दे आर कमिंग बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, दे शुड कम बैक विद समथिंग विच इज़ रियली स्पेशल। सो आई थिंक वो तो अचीव हो ही चुका है, होने लगा तुमसे प्यार से। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द ब्यूटिफुल लवली लवली फैंस दैट वी हैव सिडनीथियंस एज वी कॉल देम, फॉर लविंग दिस सॉन्ग सो मच। सिद्धार्थ जी, हमने देखा हमारी इंडस्ट्री में शाहरुख खान जी ने लुंगी पे डांस किया, एंड आपको हमने देखा आपने लुंगी में एंट्री की, तो थोड़ा बताइए कि वो आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज लुंगी में बहुत कंफर्टेबिलिटी होती है, नो डाउट, एकदम मस्त हवा का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। लुंगी बहुत ही कंफर्टेबल यू नो चीज़ है, पहनने वाली बहुत ही कंफर्टेबल चीज़, आई थिंक लोगों को पहनना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लुक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पे यू नो मेरे लुक के साथ भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, मेरा बियर्ड मेरे हेयर्स और कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, तो एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हुए इस कैरेक्टर को हमने यू नो अच्छा बनाया, अच्छा दिखाया, एकदम साउथ इंडियन लुक दिया, साउथ इंडियन सुपरस्टार, उसका जो स्वैग है, उसका जो स्टाइल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस म्यूज़िक वीडियो में ये कि एक यूनिकनेस है इसमें, यूनिकनेस है, कुछ डिफरेंट है, तो बहुत मज़ा आया मुझे करने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिली मुझे। ये जो साउथ से ये जो कल्चर आती है, ये मेरा अगला सवाल भी था, लेकिन लुंगी की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो कब निकल जाती है या कब गिर जाती है या कब सड़क जाती है, तो थोड़ा सा आप बताइए, इसका भी कोई डर लग रहा था शूटिंग के दौरान आपको? नहीं दिया, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए तो लुंगी नहीं उतरेगी। मतलब लुंगी ओह गॉड, यू वाज अ सेफ्टी पिन या हाँ, मतलब प्रॉपर वो लुंगी हमने बनाया था। साइटिंग आपने सेट पे भी दिया था? ना ना, मैंने कोई टिप नहीं दिया इसको। बट आई थिंक अगर एकदम ज्यादा ही आपको आपकी लुंगी सिक्योर रखनी है, अच्छे से बांध के रखोगे, उसको पिन करके रखोगे, तो डेफिनेटली नहीं खुलेगी। अवनीत जी भी कुछ टिप्स दे रही है, ज्यादा ही अगर आपको संभाल के रखना है, मतलब देन सेफ्टी पिन यू कर सकते हैं। अलग ट्रैक में चले गई है। Let's just go forward. बस मैं फैशन टिप्स नहीं देने आई हूँ, मेरे को गाने के बारे में बात करना है। Very good fashion influencer. And तो आप कुछ बोल रहे थे कि साउथ से ये जो कल्चर आया है, सो आप कुछ ऐसे लोग जब मुझे फाइट करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनली फाइट करता हूँ, लाइक MMA यू नो प्रॉपर किकिंग विकिंग, बट एक जो नॉर्मल बंदा फाइट करता है रियल लाइफ में, वो प्रॉपर स्टांस के साथ या प्रॉपर किकिंग नहीं करता, उसका अलग ही होता है, वो भिड़ जाता है लड़ने। रियल लाइफ में आप
ऐसे नहीं होता, आप डायरेक्ट कूद जाते हैं एक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखते हुए ही फाइट जो छोटी सी हमने कोरियोग्राफ करी थी उसे रखा। एंड जो इंस्पिरेशन थी मेरी वो डेफिनेटली साउथ की जितने भी हमारे यू नो फेवरेट और बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार हैं अल्लू अर्जुन सर, उनसे थोड़ा बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली, बिकॉज उनकी जो स्टाइल है, उनका जो स्वैग है, बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट ही इज़ अ वेरी बिग बिग सेलिब्रिटी। रजनीकांत सर नहीं, डेफिनेटली उनका नाम तो डेफिनेटली है। देन बहुत अच्छी मूवी है, तो उस कैरेक्टर से ही थोड़ा बहुत लोगों ने मुझे कंपेयर किया मेरे फैंस ने। तो समहाउ मैंने कहीं ना कहीं मोर ऑफ मैंने अल्लू अर्जुन सर को थोड़ा देखा, उनकी जो स्टाइल है साउथ, क्योंकि लुंगी पहन के ऊपर इतना कलरफुल, उसके ऊपर जैकेट फिर चश्मा, देखा जाए तो नॉर्मल नहीं था वो, बहुत ही डिफिकल्ट था वैसे अटायर को यू नो कैरी करना। सो आई वॉज बिट नर्वस कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट बहुत अच्छा लगा। अमित जी यू नो जब लाइफ में इतना प्यार करने वाला लड़का मिलता है जिस तरह से इनका किरदार है, आपके आपके किरदार आपके चक्कर में वो लाइक यू नो एक बड़े रिच आदमी के घर में आ जाता है एंड आप उसके ऊपर गन पॉइंट भी कर लेती है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप कि लाइफ में ऐसा प्यार करने वाला लड़का मिलना चाहिए? आई थिंक येस, जैसे इस म्यूज़िक वीडियो में दिखाया कि शी वाज़ सो डिप्रेस्ड पहले बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज डेफिनेटली वो किडनैप हुई है, उसकी मर्जी से तो नहीं था कुछ भी, एंड शी वाज़ वेरी सैड, बट वंस शी मीट्स दिस गाय इन हर लाइफ जो उसको इतना खुश करता है, उसके लिए हर चीज़ करता है, उसके लिए सिंगर तक को उठा लिया इतने फेमस, तो ऑब्वियसली वो खुश तो होगी ही। सो आई थिंक ऐसा लड़का होना चाहिए लाइफ में जो एक लड़की के लिए कितना कुछ करे कि वो इतना खुश कर दे उस लड़की को। और क्या क्या करना चाहते हैं आप एक लड़की के लिए सिद्धार्थ जी? आई थिंक इस म्यूजिक वीडियो में एक लड़का जो लड़की के लिए करता है वो सारी चीज़ें ही हर लड़का करने की कोशिश करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर उसकी जो फ्रेंड होती है खुश करने की कोशिश करता है। आई थिंक ये करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, इम्प्रेस करते रहना चाहिए, इम्प्रेस करते रहना चाहिए। तो आप बताइए कि और ऑडियंस का बहुत ही प्यार मिल रहा है जब से ये गाना आया है, टच हो चुका है, सो अमित जी क्या कुछ फीलिंग आती है जब इस तरह से आप कोई भी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, जब भी आपको कोई ऐसा गाना आता है कुछ भी आता है आप कुछ पोस्ट करती है तो ढेर सारे लाइक एंड कमेंट्स आते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक ये जस्ट प्यार है लोगों का कि you know they always want to see what's going on in my life and jo bhi main karna chahti hu jo bhi main karti hu koi bhi project ho they give it all their love and you know all their appreciation so I think ye bahut important hai to keep an artist going in their life so agar ye nahi ho to I think it's very disappointing but I think they keep motivating me at every aspect of my life so I think fans ke liye bas itna hi bolna chahungi ki thank you ki aap hamesha hi itna sara pyar dete rehte hain kuch bhi karu main chahe wo instagram ho ya koi bhi cheez ho so uske liye appreciation ke liye thank you and gana aise bahut hi catchy hai matlab jab se you know jab se maine suna aise bolne laga tumse aise zuban ji aap bhi gaa rahe hain haan ji bilkul main to aise entry kiya tha ye gaate gaate aapne kiya tha hone laga tumse so aap bataiye ki aap log ke zuban par ye hamesha kitna rehta hai and agar aap log kuch line agar aap log gungunaa sake I know aap humse gungunaa hi sakte hain kyunki gaa to bilkul nahi sakte so ye gaana I think jab se suna hai tab se mere zuban pe ye gaana ha first time se jab आया था ये गाना हमारे पास तब से जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना तब से गाने से मुंह पे आ गया था कि होने लगा तुमसे कैची तो सब बहुत अच्छा गाना है जी। साथ में आप लिप सिंग भी कर सकते हैं, साथ में गाते हैं चलो साथ में होने लगा तुमसे प्यार मेरा दिल है बेकरार इश्क की हदों से पार होने लगा होने लगा बेशुमार जाने क्यों तुझे पे आ खुद से ज्यादा एतबार होने लगा क्या बात है इश्क की मम्मी आई विश कि आप लोगों को सिंगिंग की दुनिया में डेब्यू भी जल्द करना चाहिए। हाँ हाँ डेफिनेटली सिद्धार्थ को तो करना चाहिए। अच्छा आपको भी करना चाहिए, मैंने आपकी भी आवाज सुनी। थैंक यू सो मच, आपको करना चाहिए। सो चलिए कुछ फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को हम दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे हम दोनों डेफिनेटली, बिकॉज जो रिस्पॉन्स हमें मिला है यू नो फ्रॉम द डे वन जब से गाने की हमने यू नो डेट बताई है, हमने जब से पोस्टर लॉन्च किया, आपने डे वन से हमें वो जो कॉन्स्टेंट प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इतना सारा प्यार देने के लिए. और आई रिमेम्बर व्हेन वी अनाउंस्ड दिस द पोस्टर पे इतना सारा बापरे इतने कमेंट्स इतने लाइक्स एकदम से पीपल वर शावरिंग ऑल देयर लव लाइक सिंस द बिगिनिंग. सो अभी तक कितना प्यार करने के लिए थैंक यू. और अगर आप नहीं देखा गाना तो प्लीज़ जाके देखिए बी लाइफ के यूट्यूब चैनल पे होने लगा तुमसे प्यार. जल्दी जाइए देखिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच.